स्मैकडाउन में एले नाइट अटैक कर दिया। रोमन रेंस पर और जॉन सीना का एक सेगमेंट देखने को मिला। स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिला जिमी उसो बसी एले नाइट का। सारे कुछ बात करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना आप देख रेसलिंग वर्ल्ड नेटवर्क। स्मैकडाउन की स्टार्ट हमें रोमन रेंस देखने को मिलता है। जब रोमन रेंस अपनी एंट्री कर रहे होते उसी बीच में एले नाइट का म्यूजिक बजने लग जाता है। एले नाइट को फुल ऑडियंस सपोर्ट दे रहे होते हैं। रोमन रेंस और पॉल हमें शॉक हो जाते हैं। एक बार एले नाइट सीधा अरीना में जाते हैं और पॉल हमें और रोमन रेंस धीरे धीरे करके हुए अरीना में आते हैं। जब पॉल हमें एक कॉर्नर वाले चेयर को साफ कर रहे होते पॉल हमें तो उसी चेयर पर एले नाइट बैठ जाता है। एले नाइट को ये बोलता है कि ये हेड ऑफ द टेबल का चेयर है, तुम यहाँ से हट जाओ। तो एले नाइट ये बोलता है कि मैं बैठ चुका था, मतलब मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ। तो रोमन रेंस हंसते हुए दूसरे चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद एले नाइट बिना बकवास के वे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जब रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते उसी बीच उनका पेन काम नहीं कर रहा था तो पॉल हमें एक दूसरा पेन दे रहे होते। तब उसके बाद ये रोमन रेंस ये बोलता है कि पता आज तक तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या तुम्हें आज तक कोई टाइटल के लिए मैच मिला। तो उसमें एले नाइट ये बोलता है ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें हराऊंगा क्राउन जुल में और WWE चैंपियनशिप में जो मैं ले लूंगा। रोमन रेंस को गुस्सा आता है, रोमन रेंस चेयर फेंक देता है एले नाइट पर और गंदी तरह से अटैक करने लग जाता है। और रोमन रेंस अब जब नीचे जा रहे होते तो टेबल लेने के लिए तो हमें क्या देखने को मिलता है एले नाइट अटैक कर देता है रोमन रेंस पर। जिमी उसो आता है और एले नाइट पर अटैक करने लग जाता है। उसके बाद रोमन रेंस और पॉल हेमन को बाहर कर ही रहे होते हैं जिमी उसो। उसी बीच एले नाइट अपना पावर बम देके दो टेबल को अलग कर देता है। यही आज का स्मैकडाउन था, काफी बढ़िया स्मैकडाउन था। हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है कालिडो सेंटोस का वर्सेस स्ट्रीम प्रॉफिट का। इस मैच की बात करो तो ये मैच बिल्कुल मीडियम था। इस मैच की एंडिंग हमें ऐसा देखने को मिलता है जो बैक स्टेज में रे मिस्ट्री इस मैच को देख रहे होते तो पीछे से लोगन पॉल अपना अटैक करते थे लक्की पंच से। रे मिस्ट्री को देखने के लिए कालिडो चला जाता है। सेंटोस का अकेला अरीना में रहता है। स्टीम रोपिट फायदा उठा के टैग टीम फिनिशर मार के विक्ट्री पा लेता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है प्रियंका वेलर ऑडियंस को ये कहता है कि जो दो महीने पहले जो ड्रैगन कंट्रोलर मेरे पर गंदी तरह से अटैक कर देता है जिसके कारण दो महीने तक मैं कम्पीट नहीं कर पाया। और ये भी बोलता मुझे एक बार मौका मिला ईओस्काई का चैंपियनशिप के लिए क्राउन जुल में, मैच को मैं जरूर जीतूंगा और जो मेन गेम खेलने वाला जो बेली उसको मैं नेक्स्ट वीक देखूंगा। काफी बढ़िया सेगमेंट देखने को मिला। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जॉन सीना। जॉन सीना आता है रीना में, फुल ऑडियंस फुल सपोर्ट देते हैं जॉन सीना को। और जॉन सीना ऑडियंस को ये बोलता है जो 20 साल पहले सपोर्ट मिलता था आज मुझे लग रहा है वैसा सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे आपकी सब सपोर्ट की जरूरत है। क्राउन जुल में मैं लड़ना चाहता हूँ विसोलो सुकर के साथ, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मैं वो मैच को कम्पीट करूंगा आपके लिए। उसी बीच में हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन आता है, पहले रोमन रेंस को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद जॉन सीना की तारीफ करने लग जाता है। तुम्हें एक मैच चाहिए सोलो सुकर के साथ, तुम मिलेगा वो मैच जो सोलो सुकर स्पाइन देगा तो तुम्हारी माइक स्किल खत्म हो जाएगा। उसी बीच में हमें देखने को मिलता है सोलो सुकर पीछे से आता है अटैक कर देता है और बहुत गंदी तरह से जॉन सीना को अटैक को डैमेज मिलता है, लास्ट में अपना फिनिशर मार देता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन का मेन इवेंट जिमी उसो वर्सेस एले नाइट। इस मैच की बात करूँ तो मैच बिल्कुल ठीक ठाक मैच था। इस मैच की एंडिंग हम ऐसा देखने को मिलता है जो जिमी उसो पर एले नाइट अपना फिनिशर मार के विक्ट्री पा लेता है। और उसी बीच में रोमन रेंस का डिस्प्लेन देखने को मिलता है। रोमन रेंस अटैक करने की कोशिश करता है एले नाइट पर एंड एले नाइट ही अटैक कर देता है रोमन रेंस पर अपना फिनिशर मार देता है। यही आज की स्मैकडाउन था। आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए बाय बाय।